कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगती नजर आएंगी। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे भी हरियाणा के दौरे पर हैं। चरखी दादरी हिसार में उनकी जनसभा है। जनसभा को खड़गे संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 12:30 पर बाढ़ में जनसभा होगी। दोपहर करीब 2:15 पर हांसी में जनसभा होगी और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ में मौजूद रहेंगे। तो इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं। दोपहर करीब 12:30 बाढ़रा में उनकी जनसभा होगी। दोपहर करीब 12:30 का वक्त होगा जब बाढ़रा में उनकी जनसभा होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे इस जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहेंगे। जब चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है, अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा आ रहे हैं। चरखी दादरी और हिसार में उनकी जनसभाएं होंगी। जनसभाओं को संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। पहली जनसभा होगी उनकी 12:30। और चलिए अब नू से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इसको संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 12:00 फिरोजपुर झिरका में रैली होगी जिसे संबोधित करेंगे मनोहर लाल। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। तो लगातार बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली का आयोजन हर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में किया गया। अलग अलग बीजेपी के नेता यहाँ पर पहुंचे। और प्रचार प्रसार पार्टी के पक्ष में करते हुए नजर आए। इसी क्रम में अब बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली जब नू में होगी तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इसमें शिरकत करेंगे। इस रैली को वो संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील लोगों से करते हुए नजर आएंगे। तो हरियाणा के इस रन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी पूरी तरह से एक्टिव है और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रोहतक दौरे पर रहेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। दोपहर 12:00 मीडिया से बातचीत करेंगे रविशंकर प्रसाद। पार्टी की नीतियों का लेखा जोखा इस दौरान रखेंगे। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद दोपहर 12:00 मीडिया से बातचीत करेंगे और इस दौरान पार्टी की नीतियों का लेखा जोखा रखेंगे। किस तरह की नीतियाँ पार्टी अपना रही है, किस तरह की नीतियों पर पार्टी काम कर रही है और किस तरह की नीतियों पर आगे काम करने वाली है, ये तमाम चीजें जो है मीडिया के सामने रखेंगे। इसका पूरा लेखा जोखा आज रखेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का रोहतक दौरा है।